मछली लेने के लिए मार्केट में पहुंचे, एक किलो मछली 70,000। 70,000 बोलो तो VND 70,000 पाकिस्तानी बन जाएंगे तकरीबन समझो 700-800 बन जाएंगे। 700 रुपए किलो एक मछली मिल रही है यार। असल में ये लोग सोचते ना कि जैसे हम लोग फॉरनर हैं, तो फॉरनर मतलब ये कि हम जैसे कोई यूरोपियन कंट्री के लोग, हमारा बड़ा पैसा है, हालांकि हमें और पैसा नहीं है भाई, तो इसलिए बहुत खर्च कर बहुत ज़्यादा रेट हाई करके बताते हैं। तो बहरहाल इसको मैंने बोला भाजी मेरी मेहरबानी कर परदेश की हम लोग। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कि वियतनाम में मछली को किस तरह से काटा जाता है। मेंढक भी बिक रहे हैं यहाँ पर, शारिक मेंढक खाएगा भाई। सेटिंग दिखाएं आप। वैसी VIP दुल्हन वाली सेटिंग है। कैमरामैन जमील अगरबत्ती, आप सेटिंग दिखाएं। नहीं, वो नहीं जली। वे इतना भी परेशान हो गए कि हमने आज जंगल में मंगल किस तरह कर दिया। लाइव ऑन द बीच कुकिंग फॉर। जी गाइस, तो आज पहली बार जो है हम बीच पे बैठकर खाना बनाना स्टार्ट हुए हैं। आज हम बना रहे हैं मछली का कोरमा और पकवान। बारबेक्यू मछली बना रहे हैं यार। हम अभी हम सामान लेके आए, टमाटर हमने 1 किलो लिए और एक पूरा लहसुन ले लिया हमने, काली मिर्च और नमक भी ले लिया हमने, और मछली कौन सी लेके आए शारिक भाई, मछली का नाम क्या है? हाँ यार, पता नहीं यार मछली का नाम क्या है यहाँ पर। वियतनामी मछली होती है भाई, 70,000 की मिलती है, 70,000 पाकिस्तानी बनते हैं 700 रुपये। तो हमारे जो शेफ हैं, वो शेफ जो हैं आए हैं इंडिया से, और हमारे परवेज भाई शेफ हैं यहाँ पर। हमारे जो है परवेज भाई अभी काट रहे हैं टमाटर, और हम अपने जो हमारे मोहम्मदी पकवान सेंटर वाले अफनान भाई थे, वो इस वक्त जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हम उनको बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो होते तो वो ही सारा कुकिंग का काम करते हैं। और वो उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो जब कुर्सी पे बैठ जाएं या ज़मीन पे बैठ जाएं तो अल्लाह के अलावा कोई उनको उठा नहीं सकता भाई। वो बस यकीन माने, वो अल्लाह की पनाह है, जो एक दफ़ा ज़मीन पे बैठ जाएं तो अल्लाह हु अकबर फिर वहीं पे उनको हर चीज़ चाहिए। और यार अभी यार नमक पकड़ा दियो यार, वो मिर्चें पकड़ा दियो, अबे यार वो तेल रहेगा, सॉरी यार तेल लिया। ओ भाई, वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जब तक वो खाना नहीं पकेगा ना, वो बंदा कभी नहीं उठेगा। तो ये अफनान भाई की क्वालिटी है, अफनान भाई की क्वालिटी। और अफनान भाई की बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि अफनान भाई हम आपको याद कर रहे हैं इस बीच के ऊपर, क्योंकि यार खाना हमें खुद बनाना पड़ा। मोहम्मदी पकवान के हाथ से हमारे को खाना आज नहीं मिलेगा, तो आज हमारे को मिलेगा इंडियन रेसिपी फ्रॉम परवेज भाई। तेरी अजमत को सलाम है, छोटे से लेकर बड़े तक खिलाया खिलाया खिलाया, आज खुद पका रहे तो पता चल रहा है। ऐसे ही ना शारिक भाई? बिल्कुल। छोटा सा
गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुमताओ बीच के ऊपर हमने आज फिश फ्राई बनाई है और हमारी फिश फ्राई बिल्कुल तैयार है। अबे यार इसको तो नीचे रखो, ये कहाँ से आए जिसमें तुम। ओके तो गाइस अभी हमारी फिश जो है तैयार हो चुकी है, अब हम खाने के लिए तैयार है, रेडी है, बिल्कुल भूख से ही बुरा हाल हो रहा है। हमारा परवेज भाई ने तो वैसे ही कहाँ गए, ओह भाई तो वैसे ही परेशान है इतना। हाँ शारिक देख खबर भाई, 100 में से कितने नंबर देंगे आप? VIP। वाह हाँ परवेज भाई, क्या रिपोर्ट है? 99। वाह 99। ठीक है, तो घूमता हूँ बीच के ऊपर, आज हमने जो फिश बनाई है तो इसको चेक करते हैं लाइव, और इसको चेक करते हैं कि क्या बनने के बाद शक्ल बनी है। बिस्मिल्लाह, ये ट्राई करें, बेहतरीन बनाई। वाह भाई वाह, हाँ 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 मज़ा आ गया भाई, महफिल लूट ली अभी भाई आपने। गार्डन हो रही है बच्ची को आगे। ठीक है, तो तफरिया हो गई, खाना पीना खा लिया यहाँ पे, अब यहाँ से निकलते हैं। एक और यहाँ पर एक जगह है, यहाँ से थोड़ी सी दूर, थोड़ा सा ऊपर जाके पहाड़ी के ऊपर एक स्पॉट बना हुआ है, तो वहाँ पर जा रहे हैं यहाँ से। हाँ जी गाइस, तो अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, एक और पॉइंट है वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम है शारिक भाई वहाँ के जगह का नाम क्या है? अबे यार जगह का नाम पता नहीं है, पर हमने नेट पर सर्च किया था तो वो जगह नमूदार हो गई, तो अब जाके देखते हैं वहाँ पर कैसा पॉइंट है। तो बस यहाँ पर जो भी था खाना वाना खाया हमने, खाना खुद पकाया, बड़ा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था वियतनाम में ट्रैवलिंग के दौरान खाना बनाना, तो समंदर भी देख लिया हमने। तो अब यहाँ से अब एक और जगह पे जाते हैं, देखते हैं फिर वहाँ का नाम क्या है, कैसी लोकेशन है, तो एक वहाँ पर भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो लेट्स गो मूव। और पैसा वसूल रहे हैं।